मुंबई में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो सच में समाज सेवा करती हैं। आपने कई बार सुना होगा कि कई बार नेता भी समाज सेवा का नाम देते हैं, लेकिन सच में वह समाज सेवा नहीं होती है, क्योंकि समाज सेवा उसे कहते हैं जिसका नाम है रमाबाई विश्वकर्मा। तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से विश्वकर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट दहिसर मुंबई की तरफ से आज यहाँ तांबे एजुकेशन सोसाइटी LS माध्यमिक विद्यालय दहिसर पूर्व में करीब 200 से ज़्यादा स्कूली बच्चों को जो बेहद ज़रूरत है उन्हें नोटबुक का वितरण किया जा रहा है। और रमा भाई की एक खासियत है कि वह तमाम तैयारियां खुद करते हैं। तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि तमाम जो नोटबुक जो है खुद रमा भाई सजाए हुए हैं और उसको लेकर इस स्कूल में आए हुए हैं। और मेरे पीछे जो तस्वीरें देखिए, ये बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और इन्हीं भविष्य को संवारने की कोशिश रमा भाई कई वर्षों से करते हैं। उनके रजिस्ट्रेशन में जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि करीब 8 साल से रमा भाई इस तरह की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। रमा भाई इसी तरह से बड़ी संख्या में नोटबुक मंगाते हैं और बैग में भर भर कर अलग अलग स्कूलों में जाते हैं और बच्चों को बांटते हैं। एक बार फिर से रमा भाई को बच्चों को लेकर चिंता हुई, उन्होंने तमाम बच्चों को नोटबुक वितरण करने का कार्यक्रम शुरू किया। तस्वीरें दिखाते हैं कि तमाम ये छोटे बच्चे हैं जिनको नोटबुक वितरण और कैलेंडर वितरण किया जा रहा है, जिसमें खासियत है कि रमा भाई ये जो पुस्तक आपके सामने दिखाई दे रहा है खुद रमा भाई लाते हैं और बैग में भरकर अलग अलग स्कूलों में जाते हैं और स्कूल में ही बच्चों को पुस्तक बांटने का काम करते हैं। हालांकि कई बार राजनीतिक में हमने देखा है कि मंच बुलाते हैं, मंच पर उनको पेरेंट्स को टोकन दिया जाता है, फिर इस तरह की पुस्तकें दी जाती है, लेकिन उन पुस्तकों पर उन नेताओं के नाम अंकित होते हैं, उनके पार्टी के नाम अंकित होते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह की तस्वीरें आपको नहीं देखने मिलेगी, क्योंकि ये सीधी बिल्कुल सादी बुक है जिसमें किसी नेता किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं है। और रमा भाई किसी पार्टी से नहीं है, रमा भाई का कोई चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन उसके बावजूद भी रमा भाई लगातार इस तरह की सामाजिक सेवा लोगों को देते रहते हैं। इसका महज उद्देश्य यही है कि रमा भाई कहते हैं कि उन्हें लोगों की सेवा करने में जो आनंद मिलता है वो किसी काम में आनंद नहीं मिलता है। कुछ बच्चों से हम बात कर लेंगे। आज आपको पुस्तक मिल रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि ऐसा काम हर स्कूल के प्रिंसिपल को करना चाहिए। आज रमा भाई आप लोगों को पुस्तक मिल रहा है, खुशियाँ कैसी होती है? अच्छी। तो बिल्कुल छोटी बच्ची है, आज आपको नोटबुक मिलने वाली है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या करेंगे नोटबुक का? लिखेंगे उसमें। क्या कहेंगे स्कूल प्रशासन को और रमा भाई को? क्या कहेंगे?
अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। देखिए हर बच्चों के मन में एक खुशी होती है, हालांकि हमारे भी स्कूली जीवन में जब हमें एक छोटा सा रबर मिलता था या पेंसिल मिलती थी तो हम घर पर जाकर बताते थे कि आज हमें स्कूल में इस तरह का सम्मान किया गया, इस तरह की जो चीज़ें दी गई। तो जाहिर तौर पर आज बच्चों को नोटबुक दी जा रही है, बहुत बड़ी बात है ऐसे महंगाई के ज़माने में, और बिना राजनीति किए हुए इस तरह से बच्चों को समाज सेवा के तौर पर उन्हें इस तरह का लाभ देना जाहिर तौर पर एक बड़ी बहुत बड़ी बात है। और अब इसका बयान नहीं कर सकते किस तरह से नमा भाई कितने वर्षों से इस तरह की सेवा करते हैं, सच्ची सेवा इसी को कहते हैं। राजनेताओं वाली सेवा तो पार्टी के लिए होती है, राजनेताओं की सेवा तो अपने वोट बैंक के लिए होती है। सर तांबे साहब नमस्ते, एक संदेश दीजिए कि किस तरह से रमा भाई लगातार निस्वार्थ। हमारे रमा भाई ने आज तक नहीं, पहले से छोटा सा था जब से हमारे संस्था से उनका रिश्ता था, और अभी भी हमारे स्कूल में गोर गरीब बच्चों लोग के लिए ये बुक नोटबुक जो बांटते हैं ना, वो सही में उनको पुण्य मिलेगा, वो हमारे पेरेंट लोग उनको आशीर्वाद देंगे, और हमारे स्कूल की तरफ से रमा भाई को बड़ा आशीर्वाद है। रमा भाई से अभी मैं बात कर रहा था, रमा भाई बता रहे थे कि सर बहुत एकदम सिंपल है, छः छः स्कूल है उनके, लेकिन आप बिल्कुल कोई ईगो हर्ट नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम शांत रहते हैं ना। हम लोग साथ में है ना, बड़ा पॉइंट क्या करने का उसमें, 18 स्कूल है पूरा महाराष्ट्र। अरे बाप रे, तो देखिए हम जिनका साक्षात्कार कर रहे थे उनका 18 स्कूल है, लेकिन तस्वीरों से देख कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने सरल स्वभावी और बिल्कुल मृदुभाषी है। जानकर यह खुशी हुई कि इतने बड़े लोग भी होते हैं हमारी दुनिया में जो इस तरह से तमाम छोटे बच्चों का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं और शिक्षा को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सर क्या कहेंगे? सर ऐसा है कि यार पीछे 7-8 साल से मैं बच्चों को स्कूल में कॉपी किताब सब बांट रहा हूँ। मैं भी एक गरीब परिवार का हूँ, जब मैं पढ़ाई करने जाता तो 12-13 को बुक के लिए मुझे 2-3 दिन पिताजी को बोलना पड़ता था, तो यही कहीं जाकर बुक मिलता था, वो दिन में भूला नहीं हूँ। आज सब स्कूल में 200 बच्चों को बुक बांट रहा हूँ, कम से कम 14 स्कूल बांटने वाला हूँ। तो देखिए रमा भाई का कहना है कि जब वह स्कूल में पढ़ते थे तब उन्हें इस तरह की सुविधा नहीं मिलती थी, वो दर्द आज उनके मन में छलक रहा है, वो आभास कर रहे हैं कि किस तरह से बच्चों को पुस्तक देने के बाद बच्चों में खुशी आती है। इन्हीं खुशियों को इकट्ठा करने के लिए लगातार रमा भाई इस तरह से सेवा कर रहे हैं। उनका कहना है कि आने वाले और 14 स्कूल में इस तरह के बच्चों को नोटबुक वितरण करेंगे और उसी आनंद का अनुभव करेंगे जिस आनंद के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं।